जो भी धमकी भरे कॉल्स या इस तरह की जो भी चेतावनी दिए जा रहे हैं, इन लोगों को पाताल से भी ढूंढ करके इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। साइना नेहवाल इस देश की आन बान और शान है। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान का मस्तक बराबर ऊंचा करने का काम किया है। जो कांग्रेस के अंदर का जो द्वंद है वो इतना मुखर होता जा रहा है, और राहुल गांधी के अदूरदर्शी नेतृत्व की वजह से। लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक पहचान चाहिए तो वो ऐसे दलों का रुख करेंगे। फेसबुक पोस्ट पर डालने के बजाय मुख्यमंत्री अगर हत्यारे को ढूंढकर न्याय दिलाने का कार्य करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर श्रद्धांजलि मृतक के लिए होगी। फादर वो कहते हैं कि एक्टर सिद्धार्थ ने जो कहा वो बहुत गलत कहा, रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल किया साइना नेहवाल के खिलाफ, हम लोग को कंडेम करते हैं, उसको इस काम के लिए अपोलाइज करना चाहिए। अब वो इंटेंशनली उसने बोला या अनइंटेंशनली बोला ये कोई मैटर नहीं करता। साइना नेहवाल इस देश की आन बान और शान है। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने हिंदुस्तान का मस्तक बराबर ऊंचा करने का काम किया है, और ऐसे सितारों के बारे में फिल्म स्टार या किसी भी तरह के महत्वपूर्ण तौर पर जाने जाने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक जीवन की जो लक्ष्मण रेखा है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। अगर उनके पिता ने सिद्धार्थ से माफ़ी की मांग की है तो उन्हें देश की भावना का सम्मान करना चाहिए, और साथ साथ एक पिता की भावनाएं आहत हुई हैं, ये एक मानवीय संवेदना का भी प्रश्न है, उन्हें तुरंत उनके परिवार, उनके पिता और देश से माफ़ी मांग करके इस पूरे घटनाक्रम का पदाक्षेप करना चाहिए। केरला यूनिवर्सिटी के वीसी का मामला लग गया है, कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल ने प्रेसिडेंट को उसके लिए पत्र लिख दिया है। देखिए, कांग्रेस की हालत सब जगह बिगड़ती जा रही है। देश के कुछ राज्यों में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर अभी भी बची हुई है, केरल उसमें से एक राज्य है। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर का जो द्वंद है वो इतना मुखर होता जा रहा है, और राहुल गांधी के अदूरदर्शी नेतृत्व की वजह से इन घटनाओं का तार्किक समाधान अक्सर नहीं ढूंढा जा सका है, इसीलिए ये कठिनाइयां सामने आ रही। इंडियन आर्मी ऑफिशियल तरफ से बात की है कि 14वां राउंड सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत 12 जनवरी के मॉर्निंग में होगी। भारत की सुरक्षा और भारत की सीमाओं की जो रक्षा है उसको लेकर ऐसी कवायदें होती ही रहती हैं, और जब आज पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सीमा पर जिस तरीके का तनाव उभरा है, खास करके एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत चीन सीमा, इन दोनों को अगर हम देखें तो ऐसे जो भी एक्सरसाइजेज हैं उससे घटना का जायजा भी लेना आसान होता है और उससे निपटने की रणनीति पर भी बात होती है। ये सोनू सूद की सिस्टर से सिद्धू की मुलाकात हुई और उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया है। किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल में अगर आस्था है तो उसके प्रवेश पर किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है, और मुझे लगता है कांग्रेस की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक पहचान चाहिए तो वो ऐसे दलों का रुख करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के एमएलए विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में बेल दे दिया, और उन्हें आदेश दिया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें सहयोग करें। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, और ड्रग को लेकर के पंजाब की जो जमीनी स्थिति है, कहीं ना कहीं पिछली बार शिरोमणि अकाली दल और वहाँ उस गठबंधन की जो दुर्गति हुई थी उसके बाद भी अगर महत्वपूर्ण राजनेताओं की संलिप्तता सामने आती है तो बेल एक न्यायिक प्रक्रिया है, वो मिल सकती है। लेकिन इन तथ्यों का जो छिद्रान्वेषण है वो काफ़ी मुस्तैदी के साथ किया जाना चाहिए, और एक ऐसी नज़ीर पेश की जानी चाहिए जिससे आम जो ड्रग पैडलर्स हैं वो हतोत्साहित हो सके। टीएमसी के एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर डेरिक कुब्रेन ने पत्र लिखा है चेयरमैन को,
उनसे अपील की है कि एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें एक इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि क्या डेवलपमेंट है मैटर ऑफ यूजिंग वायलेटिंग एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है टिक फॉग, क्या हो रहा है उसमें। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी भी मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है बेहद महत्वपूर्ण है। अगर किसी मसले पर सदस्यों को जानकारी चाहिए तो वो सवाल पूछते हैं, इन सवालों का जो स्पष्टीकरण है संबद्ध मंत्रालय की ओर से दिया जाता है, इसमें असामान्य कुछ भी नहीं है। एक धीरज राजेंद्रन है, उनकी हत्या कर दी गई थी, वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इदुकी के छात्र थे एंड SFI एक्टिविस्ट थे। उसको उन्होंने काफ़ी वहाँ के जो केरला के CM ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि काफ़ी दुखद है और ये कोशिश है कॉलेज के माहौल को बिगाड़ने की। राजनीतिक हत्याओं को लेकर निसंदेह इस देश को कुछ सोचने की ज़रूरत है। जब सब कुछ सामान्य हो रहा है और वैसी परिस्थिति में अगर एक्टिविस्ट चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो जमीनी तौर पर काम कर रहा हो, उसके प्राणों की रक्षा करना हर राज्य की जिम्मेवारी है। इसीलिए फेसबुक पोस्ट पर डालने के बजाय मुख्यमंत्री अगर हत्यारे को ढूंढ कर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए न्याय दिलाने का कार्य करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर श्रद्धांजलि मृतक के लिए होगी। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण कहते हैं कि जो सिचुएशन है ये रैपिडली चेंज होगी कोविड की, हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, लेकिन सेंटर ने कहा है सभी राज्यों से कि सभी स्थिति से तैयार रहे निपटने के लिए। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि इस बार वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर हुआ है और वैक्सीनेशन से लोगों की इम्यूनिटी बेहतर हुई है तो हॉस्पिटलाइजेशन कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स समय समय पर डिटेक्ट हो रहे हैं वैसी परिस्थिति में हर राज्य को सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम हैं वो करने चाहिए। इसलिए कि ये एक ऐसे परिस्थिति का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है जिससे पहले उनका सबका नहीं पड़ा था। राजीव रंजन जी, एक काफ़ी मैटर हुआ था प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सिख फॉर जस्टिस एक संस्था है उसके तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वो वकील जो उसमें जिरह कर रहे थे उनको आज सुबह में 50 सेकंड का थ्रेड वॉइस कॉल गया है, कैसे देखते हैं। पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर के जो नज़रिया है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में उनकी कोशिशें आज भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की है और ये एक तरह से इस तरह के संगठन ISI के मुखौटे के तौर पर हो सकते हैं। जो कुछ भी उन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं इसका तार्किक समाधान संबद्ध एजेंसियों को ढूंढना चाहिए और इस तरह के जो भी धमकी भरे कॉल्स या इस तरह की जो भी चेतावनी दिए जा रहे हैं इन लोगों को पाताल से भी ढूंढ करके इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।